बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लाइब्रेरी वॉइस की प्यारी सी फैमिली को मेरा सलाम। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक बरवक्त पहुँच सकें। तो व्यूअर्स, आइए चलते हैं नॉवलबाजी की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। रात को देर तक नींद नहीं आई। बहरो सुरखाब के पास गया था। सुरखाब वगैरह उसकी हकीकत से वाकिफ होने के बाद उसमें बहुत दिलचस्पी ले रही थी। दूसरे दिन मैंने फीनी से आज के प्रोग्राम पूछे, लेकिन वो खास प्रोग्राम नहीं था। ठीक है फीनी, आज के लिए कोई प्रोग्राम बनाना भी नहीं। अगर कोई अहम बात हो तो मैं रात को मालूम करूँगा। बेहतर जनाब, फीनी ने कहा। मैंने अपने कमरे में दाखिल होकर मेकअप बक्स संभाल लिया और थोड़ी देर के बाद मैं कोठी से बाहर निकल आया। राशिदा से मुलाकात का इरादा था। सोचा था कि खाना वगैरह भी उसके साथ खाऊंगा। चनाचा मैं चल पड़ा। पैदल चलते हुए मैंने एक और बात सोची थी, एक ऐसी जगह बनाऊं जहां मैं अपनी असली शख्सियत के साथ रहूं। इसके लिए कोई मकान मुंतखब करना पड़ेगा, ये अहम ज़रूरत थी। टैक्सी आज बहुत मुश्किल से मिली थी, बहरहाल मिल गई और मैंने ड्राइवर को पता बता दिया। उस वक्त टैक्सी एक बाजार से गुजर रही थी कि मैं उछल पड़ा। एक ऐसी शक्ल नजर आई जिसने मुझे चौंका दिया था। दूसरे लम्हे मैंने ड्राइवर के शाने पर हाथ रखकर उसे टैक्सी रोकने के लिए कहा और टैक्सी रुक गई। थोड़ी सी रिवर्स करो, उस दुकान के पास, मैंने उससे इल्तिजा की और ड्राइवर टैक्सी रिवर्स करने लगा। हसीना अब भी दुकान के पास मौजूद थी। उसके साथ एक नौजवान लड़का था, सीधा साधा देहाती सा लड़का। ड्राइवर ने टैक्सी रिवर्स करके रोक दी। मेरी आंखों ने धोखा नहीं खाया था, वो हसीना ही थी। सादा से कपड़ों में मलबूस, उतनी ही शोख। मैंने ड्राइवर को किराया अदा किया और नीचे उतर आया। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ हसीना के पास पहुंच गया। उसका नौजवान साथी बिल्कुल ही सादा लोह था। मुझे अपने इतना करीब पाकर दोनों ही परेशान हो गए। तब मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं तो मेकअप में हूँ। अभी मैं कुछ सोच भी ना पाया था कि हसीना के चेहरे के तासुरात बदल गए। वो मुझे कोई लफंगा समझी थी। दूसरे लम्हे वो कमर पर दोनों हाथ रखकर आगे बढ़ी। क्या बात है बाबू, बहन को देख रहे हो या माँ को? जो दिल चाहे समझ लो हसीना, तुमने एक बहन की तरह ही मेरी खिदमत की है और एक माँ ही की तरह तुमने बारहा मेरे सर को आगोश में लिया है। अरे बाप रे बाप, नाम भी जानो हो हमारा, कौन हो तुम? हम तो तुम्हें नहीं पहचानते। हसीना के चेहरे के तासुरात एक बार फिर बदल गए। चेहरा नहीं पहचान सकती तो क्या आवाज़ भी नहीं पहचान रही? आवाज़, हसीना अपने गाल पर उंगली रखकर बोली, ज़रा फिर से बोलो। चेहरा नहीं पहचान सकती तो क्या आवाज़ भी नहीं पहचान रही? मैंने वही जुमला दोहरा दिया। मंसूर बाबू, वो ताजुब से बोली। हाँ हसीना, मैं मंसूर हूँ। उई मैं मर जाऊँ, ये तुम्हारी शक्ल को क्या हो गया? दुश्मनों की वजह से बदलनी पड़ी है, वही सुर्खी पाउडर लगाकर जो तुम्हारी समझ में नहीं आता था। अरे मंसूर बाबू, मैं समझ गई। अरे तुम कहाँ मर गए थे? मेरा तो दिल चाह रहा है कि तुमसे लिपट जाऊँ, पर क्या करूँ, सड़क है, सब देखेंगे। खुदा का शुक्र है तुम्हें थोड़ी सी अकल आ गई है, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। फिर उसके साथी की तरफ इशारा करके पूछा, ये कौन है? घर वाला है हमारा, नाम इसी से पूछ लो। क्यों भाई, क्या नाम है तुम्हारा? पहले मैं तुम्हें बता दूं, ये हसीना मेरी प्यारी सी बहन है, कोई और बात ना समझ लेना तुम। अरे सलाम करो मंसूर बाबू को, बहुत बड़ा रुतबा दिया है इन्होंने मुझे। सलाम करता है या? हसीना ने आंखें दिखाई। सलाम जी, मट्टी के माधु ने कहा। क्या नाम है तुम्हारा? भोंदू जी, वो रो देने वाले अंदाज में बोला। सत्यानाश, तेरा सत्यानाश। भोंदू तो तू शक्ल से ही नजर आवे है, अपना असली नाम बताओ, हसीना पेशानी पर हाथ मारकर बोली। वो जी आशिक अली नाम है हमारा, सब लोग इसे भोंदू कहते हैं साहब जी, है भी मेरा काठ का उल्लू। बुरी बात है हसीना, शोहर है तुम्हारा, मैंने सरजनिश करने वाले अंदाज में कहा। अरे बस रहने दो साहब जी इस शोहर को, शोहर तो मैं हूँ इसकी, जान बचाकर निकाल लाई हूँ गाँव से, नहीं तो इसके घर वाले चक्की में पीस कर खा जाते। सब कुछ छीन लिया उन्होंने हमसे। और बस बस हसीना, ये सड़क है, लोग हमें देख रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रही थी? इसी भोंदू से पूछ लो, नौकरी तलाश करने निकला है। दुकान के आगे ऐसे आ खड़ा हुआ था जैसे भीख मांग रहा हो। देखो जी, मैं अपने गांव से आया हूँ, ये मेरी जोरू मेरे साथ है, चोर हमारा बिस्तर ले गए, उसी में हमारी दौलत भी बंधी हुई थी। ओ जी, हम पिछले दो दिनों से भूखे हैं, पहले हमें रोटी खिला दो, फिर गाँव जाने के लिए किराया दे दो जी, अल्लाह भला करेगा। हसीना ने शोहर का मजाक उड़ाते हुए मर्दाना आवाज़ बनाकर कहा तो मुझे हंसी आ गई। शादी के बाद तो तू और तेज़ हो गई है हसीना, मैंने हंसते हुए कहा।
नौकरी करने आए हो तुम दोनों? लंबी कहानी है साहब जी, सुनाने लगी तो कहोगे हसीना ये सड़क है। ओह वाकई, हम काफी देर से सड़क पर खड़े हैं, आओ यहाँ से आगे बढ़ें, मैंने कहा तो हसीना चल पड़ी। भोंदू उर्फ आशिक भी हमारे साथ हो लिया। वाकई बहुत सीधा आदमी मालूम होता था। चंद लम्हों तक मैं सोचता रहा कि उन्हें कहाँ ले जाऊं, अपनी कयामगाह पर रखना मुनासिब ना था। मासूम लोग थे, उस बुरे माहौल में सही जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। एक ही ख्याल आया, लेडी जहांगीर के हवाले कर दूं, सुरखाब वगैरह के लिए दिलचस्पी का सामान भी हो जाएगा। उस वक्त कोई खास मसरूफियत भी नहीं थी, बस यूं ही जहनी शुगुफ्तगी के लिए निकल खड़ा हुआ था। चनाचा कुछ दूर चलने के बाद एक टैक्सी रोकी और उसमें उन दोनों को बिठाकर चल पड़ा। पहले एक बात बताओ साहब जी, हसीना ने कहा। हाँ कहो। हमारे लिए नौकरी का कोई इंतजाम कर दोगे? क्या नौकरी करोगी हसीना? बस यही खिदमत गुजारी साहब जी, और क्या काम आवे है हमें। ठीक है, बंदोबस्त हो जाएगा, मैंने जवाब दिया तो हसीना खुशी से खेल उठी। ये हुई ना बात, अरे मैं तो तुम्हारी आवाज़ सुनते ही समझ गई थी कि तकदीर खुल गई हमारी। समझा रे भोंदू, ये नौकरी भी तुझे मेरी ही वजह से मिल रही है। भोंदू ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने टैक्सी ड्राइवर की वजह से किसी बारे में कोई बात नहीं की, जबकि हसीना से बहुत कुछ पूछने के लिए मेरा दिल चाह रहा था। मेरी खामोशी की वजह से हसीना भी खामोश रही। फिर टैक्सी एबिक स्क्वायर में दाखिल हो गई और बंगला नंबर 9 के सामने मैंने उसे रुकवा लिया। अब यहाँ रहते हो साहब जी, हसीना ने पूछा। हाँ, मैंने मुख्तसरन कहा और टैक्सी ड्राइवर को किराया अदा करके चलता कर दिया। हाँ हसीना, अब बोल। मैं यहाँ नहीं रहता, लेकिन इन साहब के पास तुझे नौकरी दिलवा रहा हूँ। लेकिन अभी तो तुझसे बहुत सी बातें करनी है। तो मैं बातें करने में कौन सी कम हूँ, हसीना ने अकड़ कर कहा। मैं उन दोनों के साथ बंगले में दाखिल हो गया। सुरखाब, गुल और प्रोफेसर शेराजी बंगले के बरामदे में ही मौजूद थे। हम उनके करीब पहुंच गए। उन्होंने हम तीनों को हैरत से पूछा। सलाम साहब जी, हसीना ने पहल की। वालेकुम अस्सलाम, कौन हैं आप लोग, प्रोफेसर ने पूछा। जी मैं हसीना हूँ, ये मेरा घर वाला है, और ये तो आपके साहब जी हैं, हसीना बोल पड़ी। मैं मंसूर हूँ प्रोफेसर साहब, मैंने कहा तो सब चौंक पड़े। फिर प्रोफेसर ने जल्दी से कहा, आओ आओ अंदर आओ, और सब खैरियत है ना, प्रोफेसर ने मेरे साथ साथ चलते हुए कहा। सब खैरियत है प्रोफेसर साहब, इन लोगों को छोड़ने आया हूँ, फिलहाल ये यहीं काम करेंगे, बाद में मैं इनके लिए कोई बंदोबस्त कर दूंगा, या अगर आपको पसंद आ जाए तो अपने घरेलू कामकाज के लिए रख लें। दोनों नहायत सीधे साधे और मुकम्मल तौर पर काबिल एतमाद हैं। ओके ओके, यकीनन होंगे, प्रोफेसर ने जवाब दिया और हम सब बड़े हॉल में पहुंच गए। प्रोफेसर ने मुझे बैठने का इशारा करते हुए कहा। लेकिन तुम कोई ख़ास वजह थी ये मेकअप करके आने की, प्रोफेसर चौंक कर हसीना और आशिक अली की तरफ देखने लगे। नहीं नहीं, ये बेचारे ठीक ठाक हैं, मैंने जल्दी से कहा। प्रोफेसर, कभी कभी दिल चाहता है कि अपनी असलियत में आकर आवारा गर्दी करूं, फिर इस तरह निकल आता हूं। गोया इससे पहले भी इस तरह निकल चुके हो। जी हाँ, एक आध बार। मेरे ख्याल में अच्छा खासा मेकअप है, क्या तुमने खुद किया है, गुल ने पूछा। जी, थोड़ी सी शुद्ध बुद्ध हो गई है मुझे इसमें भी। थोड़ी सी नहीं, ये तो अच्छी खासी है, हम लोगों में से कोई भी नहीं पहचान सका था तुम्हें। क्यों सुरखाब, इसमें कोई शक नहीं है डैडी, सुरखाब ने जवाब दिया। फिर मुस्कुराती नज़रों से हसीना की तरफ मुतवज्जा हुई। क्यों भाई, तुम हसीना हो, और ये तुम्हारा घर वाला, इसका क्या नाम है? नाम इसी से पूछो, मौलवी साहब ने मना किया था कि बीवियां शोहरों के नाम नहीं लेती। बस हमने इसका नाम नहीं लिया, लेकिन वो नाम ज़रूर लेते हैं जो सब लेते हैं, हसीना ने कहा और हंस पड़ी। क्या नाम, सुरखाब ने दिलचस्पी से पूछा। भोंदू, हसीना एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। सुरखाब भी हंसने लगी, उसे ये लड़की बेहद पसंद आई थी। तब मैंने उनकी गुफ्तगू में मुदाखलत करते हुए कहा, हाँ भाई, इस बेचारे को प्यार से भोंदू कहा जाता है, अब पता नहीं क्यों, ये तो तुम्हें हसीना ही बता सकेगी। ठीक है, बस हमने हसीना को रख लिया है और इसके भोंदू को भी, सुरखाब ने कहा। प्रोफेसर मुस्कुराती हुई नज़रों से हम सबको देख रहे थे। फिर वो सुरखाब से बोले, बेटे सुरखाब, रख तो लिया है तुमने इन लोगों को, लेकिन अब हमारे हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते कि हम नौकर अफोर्ड कर सकें। बहरतौर तुम्हारी खुशी है और मंसूर लाए हैं तो इनकार नहीं किया जा सकता। क्यों मंसूर मियाँ? प्रोफेसर, ऐसी बातें करके आप मेरे दिल पर कचोके ना लगाया करें, मैंने संजीदा लहजे में कहा। अरे अरे, देखो भाई, संजीदा होने की कोशिश नहीं हो रही, तमाम तर गुफ्तगू मजाक में चल रही है, और इस मजाक को इसी खुशगवार अंदाज में बरकरार रहना चाहिए। वैसे यूं लगता है जैसे ये लड़की यहाँ के माहौल में कुछ और खुशगवार कैफियत पैदा कर देगी। क्यों भाई? मियाँ भोंदुआ, क्या ख्याल है तुम्हारा? प्रोफेसर भी मूड में आ गए और आशिक अली चौंक कर उनकी शक्ल देखने लगा। मैं कुछ नहीं समझा जी। तूने कभी कुछ समझा है जो अब समझेगा?
बस तू ना ही समझा करे तो अच्छा है, हसीना ने चमक कर कहा। अरे अरे तुम लड़ती भी हो अपने शोहर से, गुल बोली। नहीं जी, ये तो हमारी प्यार की बातें हैं, वैसे सचमुच भोंदू ही पल्ले पड़ गया है। आप यकीन करें बीबी जी, ये हसीना ही है जो इसके साथ गुजारा कर रही है, कोई और होती तो अब तक अपना सर फाड़ चुकी होती या इसका। क्यों, ऐसी क्या बात है इसमें, गुल भी दिलचस्पी लेने लगी। अजी इसमें खास बात तो कोई है ही नहीं, बस यूं कहो कि मामा जी ने जिंदगी भर हमसे दुश्मनी ही की है, ना जाने क्या कुछ करते रहे हैं हमारे खिलाफ, और हमारे बाबा उन्हें तो बस पैसा ही नजर आता है, शादी कर दी हमारी इससे, और इसके माँ बाप तोबा तोबा, हमारी सास जी जो है ना उन्हें तो बस फौज में होना चाहिए था, और बेचारे ससुर जी वो इसी की तरह भोंदू हैं। पता है आपको उनका नाम क्या है, हसीना ने कहा और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी वैसे भी बड़ी दिलकश थी और इस तरह बच्चों के अंदाज में हंसती हुई तो बहुत ही भली लगती थी। क्या नाम है, गुल ने पूछा। बुद्धू, हसीना हंसते हंसते बेहाल हो गई। सब लोग भी हंसने लगे, प्रोफेसर जैसी संजीदा शख्सियत भी हसीना की बातों पर हंस पड़ी। दर हकीकत उन लोगों के लिए खासा दिलचस्प माहौल पैदा हो गया था। अच्छा तो तुम्हारे ससुर जी बुद्धू हैं, फिर क्या हुआ। बस जी होना क्या था, सास जी ने पहले तो मुझे चक्की में लगा दिया, उनका बस नहीं चलता था, वरना वो हल भी मुझसे ही चलवाती, सारा सामान छीन लिया हमारा, और ये भोंदू, इस बेचारे की तो सुबह से शाम तक जूतों से पिटाई होती थी, हालांकि वो इसकी सगी माँ थी। मैंने सारी बातें बर्दाश्त कर ली, मगर अपने घर वाले की बेइज्जती कौन बर्दाश्त कर सकता है जी, मैंने इससे कहा। मूर्ख, शहर में निकल चल, जैसे आज तक नौकरी करती रही हूँ वैसे ही आइंदा भी करती रहूंगी तेरे लिए, क्या करूँ, बाबा ने ये ढोल गले में डाल दिया है, अब तो इसे बजाना ही है। सो बड़ी मुश्किल से यह तैयार हुआ, भूं भूं करके रो रहा था घर छोड़ते हुए। अब बताओ जी, जहाँ दिन रात जूतों से मार पड़ती हो, दूध दोहना पड़ता हो, मवेशी चराने के लिए ले जाने पड़ते हो, हल चलाना पड़ता हो, सुबह से शाम तक यही सब कुछ करना पड़ता हो, फिर उस घर में रहने से क्या फ़ायदा। घर तो घर होता है जी, कभी ना कभी तो फुर्सत मिलनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, तो बस जी मैं इसे घर से भगा लाई, हसीना ने कहा, और इस भगा लाई पर सब एक बार फिर हंस पड़े। तूने बड़ा अच्छा किया हसीना जो इसे भगा लाई, वरना ना जाने क्या हाल होता इस बेचारे का, रो धोकर चुप हो गया होगा या अब भी रोता है। नहीं जी अभी दिन ही कितने हुए हैं, 2 दिन ही तो हुए हैं हमें गांव से आए हुए। और ये 2 दिन तुमने कहाँ गुजारे हसीना, मैंने पूछा। स्टेशन पर जी, यहाँ और था ही कौन। मैंने गहरी सांस ली, फिर कदरे तौकफ से पूछा, तुम्हारी दूसरी बहनों की शादी हो गई। अभी कहाँ जी, जो पैसे आपने दिए थे वो बाबा ने दबा लिए, घर ठीक कराया, फिर हमारी शादी कर दी। शादी करके हम तो चले गए भोंदू के घर, और बाबा ना जाने क्या करता रहा, फिर हम पर ये विपता पड़ी। इसके बाद साहब जी हम बाबा के घर वापस नहीं गए, क्या मिलता उससे, वो तो है ही पैसे का लालची, अब हम कभी उसके पास नहीं जाएंगे, वैसे भी शादी के बाद उसके पास जाना अच्छा नहीं लगता, देख लो नौकरी फिर भी करनी पड़ रही है। अरे नहीं नहीं ये कैसी बातें कर रही हो हसीना, शादी के बाद अगर अपने शोहर के साथ रहकर नौकरी भी की जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, गुल बेख्तियार बोल पड़ी। मैंने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा तो उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए शर्म के आसार उभर आए। हालांकि अच्छी खासी उम्र की औरत थी, लेकिन बाज़ औकात उसकी अदाएं बिल्कुल मासूमाना लगती थीं। मैंने निगाहें झुका ली, बहरतौर उसके और मेरे दरमियान एक एहतराम का रिश्ता भी रह चुका था। ये वो लोग थे जिन्होंने मेरी तामीर की थी, चनाचा मैं गुल की शान में कोई गुस्ताखी ना कर सका। हाँ ये तो ठीक है, पर ये भोंदू, इसे तो नौकरी तलाश करनी भी नहीं आती, देख लें अगर हमारे साहब ना मिलते तो ना जाने हम कहाँ मारे मारे फिरते। स्टेशन पर पड़े हुए थे, सामान तो कोई साथ लाए ना थे, इसलिए कि घर से भागना पड़ा था। ठीक है, तुम्हें सारा सामान यहाँ मिल जाएगा, अब तुम अपने भोंदू के साथ आराम से रहो, मैं तुम्हारे रहने की जगह बता दूंगी, गुल ने कहा। ठीक है हसीना, खुश हो अब तो, जो तनख्वाह चाहोगी यहाँ मिल जाएगी, तुम दोनों को लगन से काम करना है, ये सब अपने ही हैं, मैंने कहा। ये प्रोफेसर शेराजी साहब हैं, ये गुल हैं और ये सुरखाब, अजीब अजीब से नाम हैं, लेकिन कोई बात नहीं सीख जाएंगे थोड़े दिनों में, हसीना ने कहा। क्यों भोंदू तू ले सकता है इनके नाम। नहीं हमारे साहब जी हैं, हम कैसे लेंगे इनके नाम, भोंदू ने अकलमंदी की एक बात कर ही डाली और हसीना फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये हंसती बहुत है, सुरखाब मुस्कुराकर बोली। क्यों ना हंसें जी, एक हंसी ही तो अपनी है जिसे हम आसानी से खर्च कर सकते हैं और जिसका कोई किराया भी नहीं देना पड़ता, हसीना बोली।
हाँ हाँ भाई, हमें तो हंसते हंसाने वाले लोग बहुत पसंद हैं, प्रोफेसर शेराजी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने उसके बाद अय्याज को तो नहीं देखा हसीना? मैंने पूछा। अय्याज? हसीना चौंक कर बोली, ए लो, कल ही तो मिला था वो हमें, वही सुर्खी पाउडर वाला छोकरा ना। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। कब मिला था वो तुम्हें? मेरे चेहरे पर बहुत से तासुरात पैदा हो गए। कल स्टेशन पर किसी रेल से उतरा था, वो बाहर जा रहा था। मगर साहब जी, उसकी हालत तो बड़ी अजीब सी हो रही थी। क्या बात थी हसीना, तुम्हें यकीन है कि वो वही था? लो, क्या मेरी आंखें तुम्हें बहुत छोटी नजर आती हैं साहब जी? हमने पूरी पूरी आंखों से उसे देखा, पहचान लिया और उसकी तरफ बढ़े। मगर उसकी तो हालत ही बड़ी अजीब थी, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे, बिल्कुल पागल लग रहा था। हमने उसके पास पहुंचकर उसे पकड़ लिया और तुम्हारे बारे में पूछा, पर उसने कुछ नहीं बताया, बल्कि हमें पहचानने से इनकार कर दिया। वो अय्याज ही था, तुम्हें यकीन है? साहब जी, अब तुम ये देख लो, हमने तुम्हारी आवाज़ से तुम्हें पहचान लिया था, अभी हमने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी है। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है हसीना? तुम ये बात भरोसे से कह रही हो? अरे भोंदू, तुझे याद है वो आदमी जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और हमने जिसका कुर्ता पकड़ लिया था? हाँ याद है, भोंदू ने जवाब दिया। तो फिर बता साहब जी को, उसकी शक्ल कैसी थी? बड़ी बड़ी आंखें, लंबा सा चेहरा, दरमियाना कद। हसीना, मैंने तो सुना है कि अय्याज मर गया, उसने खुदकुशी कर ली थी। हम कुछ नहीं जानते साहब जी, पर वो मरा नहीं है। अगर वो मर गया होता तो हम कैसे देखते? अरे बाप रे, कहीं वो उसका मुर्दा तो नहीं था जो चल रहा था? हसीना के चेहरे पर एकदम खौफ के आसार पैदा हो गए। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा नहीं सका था, ये तो अजीब बात सुनाई थी उसने। ये मुमकिन है कि तगलुक खान को धोखा हुआ हो। क्या चमन ने झूठ बोला था? ये चमन ही की इत्तला थी कि अय्याज ने खुदकुशी कर ली है। लेकिन अय्याज, हसीना को पहचाना क्यों नहीं उसने? वो सही दिमाग नहीं था? क्या उसके जहन पर कोई बुरा असर पड़ा है? ये बात मेरे लिए बड़ी ही हैरान कुन थी। मैं उठ खड़ा हुआ। अच्छा प्रोफेसर, अब मैं चलता हूँ। कहाँ भाई, कुछ खाओ पियोगे नहीं? प्रोफेसर शेराजी ने पूछा। नहीं प्रोफेसर, अय्याज के बारे में ये इत्तला मेरे लिए बड़ी तश्वीशनाक है। अगर वो जिंदा है और इसी शहर में है तो उसे मिलना चाहिए, अय्याज को ज़रूर मिलना चाहिए। हाँ, ठीक है, मगर अब क्या तुम सड़कों पर मारे मारे फिरोगे? प्रोफेसर, अय्याज की तलाश के लिए आप मुझे इजाज़त ज़रूर दें, मैं उसे तलाश करूँगा। प्लीज़ प्रोफेसर, प्लीज़। हाँ, भाई, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा इस सिलसिले में, बस यूं ही कह रहा था कि मैं मोहतात रहूँगा प्रोफेसर, आप मुतमईन रहें, मैंने जवाब दिया और उन सब से रुख्सत होकर बाहर निकल आया। प्रोफेसर मुझे छोड़ने बाहर तक आए। बस एक दरख्वास्त है मंसूर, अपनी हिफाजत करना। हमने जो ताजमहल तामीर किया है उसे चमकते दमकते देखना चाहते हैं, कोई मकसद चाहते हैं उसका। आप मुतमईन रहें प्रोफेसर, मैं किसी हादसे का शिकार नहीं होऊंगा, मैंने जवाब दिया। प्रोफेसर शेराजी मुझे बंगले के गेट तक छोड़ने आए थे, बाहर मेरी गाड़ी ना देखकर उन्होंने कहा। पैदल ही? हाँ, टैक्सी से आया था, टैक्सी तलाश कर लूंगा थोड़ी दूर जाकर, मैंने जवाब दिया और प्रोफेसर को सलाम करके वहां से आगे बढ़ गया। टैक्सी काफ़ी दूर जाकर मिली थी और फिर मैं टैक्सी में बैठकर शहर गर्दी करने लगा। स्टेशन के इलाके में गया, वहां से कुर्बा जवार के इलाकों में। मैं दीवानों की तरह सड़कों, गलियों और बाजारों में अय्याज को तलाश करता रहा। रात हो गई लेकिन अय्याज का कोई पता ना चला। फिर मैं थका हारा अपनी कयामगाह पर पहुंच गया। वहां का माहौल पुरसुकून था। बदकिस्मती से अय्याज की कोई तस्वीर भी मेरे पास नहीं थी जिसे मैं दूसरों को देकर उसकी तलाश करा सकता। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हसीना पर मुकम्मल भरोसा भी नहीं किया जा सकता था। लाउबाली सी लड़की थी और किसी कदर खिसकी हुई भी, लेकिन वो जितने वसूख से कह रही थी उसने मेरे दिल में उम्मीद की एक जोत जगा दी थी। मुमकिन है अय्याज जिंदा हो, मुमकिन है चमन ने झूठ बोला हो, लेकिन उस बदबख्त ने ये झूठ क्यों बोला? उसे इससे क्या हासिल होता था? मैं सोचता रहा, लेकिन इस उलझन का कोई हल समझ में ना आया सिवाय इसके कि चमन की गर्दन जा दबोचूं। लेकिन इसमें भी काफ़ी कबाहतें थीं। चमन को मेरी जिंदगी और यहाँ आमद के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए, कम अज़ कम उस वक्त तक जब तक प्रिंस दिलावर की शख्सियत खुल ना जाए। मैं एक ठंडी सांस लेकर आरामदेह कुर्सी पर दराज हो गया। इसका कोई हल नहीं था मेरे पास। जिस तरह मैंने औरों के लिए सब्र किया था, वो जो मुझे बेहद प्यारे थे, इसी तरह मुझे अय्याज के लिए भी सब्र करना था। सब्र, 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 मेरी तकदीर में सब्र के अलावा लिखा ही क्या था? मैं काफ़ी देर तक दर्दो कर्ब में डूबा रहा। ये दर्दो कर्ब तो मेरी ज़िंदगी का एक जुज़ बन गया था। ज़माना बाद अज़ वक्त मेरे साथ बेहतर सलूक कर रहा था। मुझे दुनिया भर की आसाइशें मुहैया कर दी गई थीं, लेकिन काश कोई इन आसाइशों को छीन लेता और मुझे सिर्फ मेरी माँ और बहन लौटा देता। आज भी मेरे दिल में हसरत थी, जब भी मुझे उन दोनों का ख्याल आता
तो मुझे अपने इर्द गिर्द फैली हुई चीज़ों से नफरत होने लगती थी। जी चाहता था कि इनसे मुंह मोड़कर कहीं वीराने में निकल जाऊं, जहां मेरे सिवा कोई ना हो, बिल्कुल तन्हाई हो। फिर दूर से मुझे रोशनी के दो नुक्ते नजर आए। ये नुक्ते मेरे करीब आते और फैलते गए, फिर उनमें फरीदा और अम्मी की शक्लें नजर आने लगीं। मैं बुरी तरह बेचैन हो गया। अब तो उम्मीद की शमें मधम पड़ती जा रही थीं। कौन सी जगह छोड़ी थी मैंने उनकी तलाश में, लेकिन यूं लगता था जैसे उन्हें ज़मीन निगल गई हो। देर तक मैं इन्हीं एहसासात का शिकार रहा। बार बार मैंने खुद को इस पर आमादा किया था कि मैं इस हसरत नसीब माहौल से निकल जाऊं, दिल जमाई और पुख्तगी के साथ अपने उस फ़र्ज़ का आगाज़ करूं जो मेरी ज़िंदगी का मिशन बन चुका था। उस शख्स से इंतकाम के लिए हर वो कदम उठाऊं जो उसे मौत की राहों पर ले जाए, जिसने मेरी अम्मी और फरीदा को मुझसे जुदा कर दिया था। दफ़तन मुझे यह ख्याल आया और मैं चौंक पड़ा। हाँ वाकई, मुझे अपनी मसरूफियात में खलल अंदाज नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने लिए दूसरे रास्ते हमवार करने चाहिए। अब तक मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। दूसरे लम्हे टेलीफोन के नज़दीक पहुंच गया। अजमत के घर का टेलीफोन नंबर मुझे मालूम था। उस वक्त अजमत यकीनी तौर पर अपने घर में होगा, क्योंकि वो सीधा साधा और शरीफुल नफ्स नौजवान था और ज़िंदगी की दूसरी तफरीहात में कम ही हिस्सा लिया करता था। मैंने नंबर डायल करके रिसीवर कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से फरातुल्ला साहब की आवाज़ सुनाई दी थी। आपका खादिम मंसूर बोल रहा हूँ, अजमत घर में हैं? हाँ हाँ बेटे, बुलाऊँ उसे? वैसे तुम खैरियत से तो हो ना? जी, आपकी दुआएं हैं, बुला दीजिए अजमत को, मैंने कहा, और चंद लम्हों बाद अजमत की आवाज़ सुनाई दी। हेलो मंसूर भैया, कैसे हाल हैं? ठीक हूँ। अजमत, एक काम तुम्हारे सुपुर्द करना चाहता हूँ। हुक्म, हुक्म फरमाइए। अजमत, मुझे हसीना मिली है, उसकी शादी हो चुकी है। अपने शोहर के साथ बेचारी मुलाजमत की तलाश में सरगर्दा फिर रही थी कि मुझे नज़र आ गई। मैं उसे ले आया हूँ। अरे ये कैसे हुआ? उसे तो अच्छी खासी रकम देकर मैंने उसके गांव पहुंचा दिया था। हाँ मुझे इल्म है, लेकिन अजमत, बाज़ औकात हालात बड़े अजीब व गरीब हो जाते हैं। उसे ससुराल वाले अच्छे ना मिले, कुछ रुपया उसके बाप ने खाया और कुछ ससुराल वालों ने। बहरतौर ये कोई ऐसी बात नहीं है, दुनिया में ऐसे लातादाद वाक़यात होते हैं। मैंने उसे गुल के पास पहुँचा दिया है, वहाँ वो दोनों मुलाजिम की हैसियत से काम करेंगे। लेकिन मैंने तुम्हें एक दूसरे मकसद के तहत तकलीफ दी है। जी फरमाइए। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मुझे अय्यास की मौत की इतला मिली थी। जी भैया, लेकिन हसीना ने मुझे एक और ही कहानी सुनाई है। क्या? अजमत ने चौंक कर पूछा। उसका कहना है कि उसने एक दिन कबल अय्यास को स्टेशन पर देखा था। क्या? अजमत हैरत से चीख सा पड़ा। हाँ अजमत, बात ही इतनी हैरत अंगेज़ है, लेकिन ज़्यादा काबिल भरोसा भी नहीं, क्योंकि हसीना को धोखा भी हो सकता है। मगर क्या हसीना ने उसे करीब से देखा था? उसने उससे बात की थी? वो कहती है उसने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन अय्याज अपने होश में ना था। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और चेहरे से वो मकबूतुल हवास मालूम होता था। हसीना के मुखातिब करने पर भी उसने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। भैया एक बात बताइए, क्या हसीना काबिल एतमाद है? मैंने कहा ना, उसे धोखा भी हो सकता है। लेकिन अजमत, अय्याज की ज़िंदगी की खबर सुनकर मेरा दिल मचल गया है। मैं आज कई घंटों तक उसकी तलाश में सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारियाँ मुझे इसकी इजाज़त नहीं देती कि मैं इस सिलसिले में मज़ीद कोशिश करता रहूँ। मैं समझ गया मंसूर भैया, आप बिल्कुल मुतमईन रहें, अजमत ने फ़ौरन कहा। शुक्रिया अजमत, दरअसल तुम हालात को बेहतर तौर पर समझ सकते हो। मुझे इतने बड़े मनसब पर फाइज कर दिया गया है कि मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं मेरे सर पर और अभी मुझे ख़ास सिलसिले में काम करना है, लेकिन अय्याज का मसला भी मैं किसी तौर कम नहीं समझता। सोचते सोचते मेरे जहन में तुम्हारा ख्याल आया, लिहाजा ये खिदमत मैं तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। आप बिल्कुल मुतमईन रहे मंसूर भैया, कुछ भी हो जाए मैं एक आध हफ्ते की छुट्टी ले लूँगा और अय्याज को तलाश करूँगा। अय्याज का पुराना घर मालूम है तुम्हें? नहीं भैया, मुझे नहीं मालूम। तो फिर यूँ करो कि पता नोट कर लो, वहाँ पर भी जाकर मालूम कर लेना। आप मुझे पता नोट करा दें। एक मिनट, अजमत ने कहा। शायद वो कागज़ पेंसिल का बंदोबस्त करने लगा था। फिर उसकी आवाज़ आई। जी भैया, मैंने पता बताया, जिसे उसने नोट कर लिया। दफ़तन मुझे एक ख्याल आया और मैंने अजमत से कहा, अजमत तुम्हारे पास अय्याज की कोई तस्वीर होगी? नहीं भैया, अगर कोई दिक्कत ना हो तो एक काम और कर लेना। जी फरमाइए। अय्याज जिस गली में रहता है उससे बाएं हाथ की तीन गलियां छोड़कर एक मकान है बिल्कुल कोने में, उसका नंबर मुझे नहीं मालूम और ये भी नहीं बता सकता कि वहाँ कौन कौन रहता है, लेकिन उसी मकान में शमो नामी एक लड़की रहती है। जी फिर? जाहिल सा घराना है, कोई मुश्किल भी पेश आ सकती है। अगर कोई तरकीब निकाल सको उस लड़की से भी मिल लो, मुमकिन है उसके पास अय्याज की कोई तस्वीर हो, वो अय्याज की महबूबा है। कोई तरकीब कर लूँगा भैया, आप मुतमईन रहें,
अजमत ने कहा। फिर रस्मी गुफ्तगू के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया। ये काम अजमत को सौंप कर मैं किसी कदर पुरसकून हो गया था। फीनी ने अदनान के आने की इतला दी तो मैंने उसे ड्राइंग रूम में बुलवा लिया। अदनान ने मुझे सलाम करने के बाद बताया, मेथू फोरे 6 तारीख को 8 बजे क्वारी पहुँच रहा है, यहाँ वो होटल ग्लेशियर में क़याम करेगा। ग्लेशियर का रूम नंबर 20 उसके लिए मखसूस हो चुका है और ये कमरा सेठ जबार के आदमियों ने बुक कराया है। इतला मौसूल होने का ज़रिया मैंने पूछा। हमारा आदमी हांगकांग पहुंच चुका है और वो उसी तैयारी से वापस आएगा जिससे मैथू फोरे सफ़र कर रहा है। उसके साथ उसकी सेक्रेटरी होगी? जी हाँ, सेठ जबार के आदमी क्वारी पहुंच चुके हैं, इस सिलसिले में मालूम नहीं हो सका जनाब। मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई। होटल ग्लेशियर की किसी भी मंजिल पर जाकर कमरे बुक करा लो, प्रिंस दिलावर के नाम से। मैनेजर से कहो कि प्रिंस के लिए खसूसी इंतजाम किए जाएँ। जी बेहतर। इस सिलसिले में कोई और इशारा ताकि मैं एतराफ़ के काम भी कर लूँ, अदनान ने कहा। मैं खुद क्वारी जाऊँगा और इस मामले को देखूँगा, मैंने कहा। बहुत बेहतर, ये मुनासिब रहेगा प्रिंस, अदनान ने जवाब दिया और फिर थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद वो उठ गया। इसके अलावा और कोई हिदायत जनाब? आप कब तक क्वारी रवाना हो जाएंगे? मेरे ख्याल में 2 तारीख को। आज 19 तारीख है ना? जी, बस 2 तारीख ठीक रहेगी। आपके साथ कितने अफराद जाएंगे? 4, मैंने जवाब दिया। हवाई जहाज़ से सीटें भी बुक करा लूँ? ज़ाहिर है, 2 तारीख की सीटें हासिल कर लो, मैंने कहा और अदनान सलाम करके चला गया। मैंने ये फ़ैसला अचानक किया था, बस एकदम ये ख्याल आया था कि जो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें अमली हिस्सा भी तो लेना चाहिए। दूसरों के कांधों पर बंदूक रख कर चलाते रहना भी तो मुनासिब नहीं था, सही हो या गलत खुद को आज़माना चाहिए। फिर मैंने साथ ले जाने के लिए आदमियों का इंतखाब किया। ताहिर और आज़म बेहतरीन थे, फीनी को सेक्रेटरी की हैसियत से साथ लेना मुनासिब समझा था। ये लड़की अभी तक मेरे लिए पुरअसरार थी और मैं उसकी शख्सियत को समझ नहीं पाया था। बहरहाल मुमकिन है क्वारी के मकाम पर कुछ जहनी शगुफ्तगी हासिल हो जाए, यहाँ तो मेरे जहन पर कब्रिस्तान जैसी कैफियत तारी रहती थी। मैंने फीनी को तलब कर लिया और वह गर्दन झुकाए मेरे पास आ गए। हम क्वारी चल रहे हैं फीनी। यस सर। कब तक प्रोग्राम है? 2 तारीख को। बेहतर, और कौन साथ जाएगा? तुम, ताहिर और आज़म। मैंने वहाँ होटल ग्लेशियर में कमरे बुक करवा लिए हैं, फीनी ने इस बात में सर हिला दिया। इससे कबल तुमने वो जगह देखी है? नहीं जनाब, मैंने ये मुल्क देखा ही कहाँ है। ओह हाँ, मुझे ख्याल ही ना रहा था। वहाँ क्या प्रोग्राम रहेंगे जनाब? बस तफरी ही करेंगे फीनी, वैसे मेथू फोरे भी क्वारी पहुँच रहा है, हमें उसे भी चेक करना होगा, क्या ख्याल है? जो आप बेहतर समझे जनाब, फीनी ने जवाब दिया। ओके फीनी, तुम इंतजाम करो, दीगर अमूर भी हैं जिनका ताल्लुक इसी प्रोग्राम से है। हाँ पूछो। प्रिंस दिलावर अपने असली नाम से वहाँ होंगे? बिल्कुल, गोया अच्छी खासी रकम की ज़रूरत पड़ेगी। यकीनन, मैं ताहिर और आज़म को इस सिलसिले में हिदायत दे दूँगा, मैंने कहा और फीनी गर्दन झुकाकर खामोशी से चली गई। मैं इस सिलसिले के आइंदा इकदामात पर गौर करने लगा। फिर मैंने ताहिर और आज़म को तलब कर लिया। अपने शहर से चला था तो मौसम काफ़ी गर्म था, लेकिन क्वारी के हवाई अड्डे पर उतरा तो मौसम बिल्कुल ही बदला हुआ था। मैंने गर्म मौसम के लिहाज से लिबास पहन रखा था। उसी वक्त फीनी ने मुझे समोर का बना हुआ एक शानदार ओवरकोट पेश किया। ये ओवरकोट मैंने फीनी के पास देखा था लेकिन इस पर गौर नहीं किया था, वो खुद भी एक स्वेटर पहन चुकी थी। ओह, क्या ये मुझे आ जाएगा? मैंने ओवरकोट को देखते हुए पूछा। आप ही का है जनाब। वेरी गुड फीनी, क्या तुम्हें इल्म था कि यहाँ मौसम इतना सर्द होगा? मैंने ओवरकोट पहनते हुए कहा। जी हाँ जनाब, आपके यहाँ आने के प्रोग्राम के बाद मैंने क्वारी के बारे में तमाम तफसीलात इकट्ठा की थी, तभी मुझे मालूम हो गया था कि यहाँ सर्दी होगी। शुक्रिया फीनी, मैं तो फ़िक्रमंद हो गया था। क्वारी का नाम मैंने बचपन में सुना था, आबो हवा के लिहाज से ये मेरे मुल्क का बेहतरीन मकाम करार दिया गया था। दौलतमंद लोग मौसम गर्मा में यहीं का रुख करते थे, लेकिन ये तमाम बातें बस परियों के देश की कहानियों की तरह मेरे इल्म में थीं। खुद मैंने इस परियों के देश का तसव्वुर भी नहीं किया था। आज मैं ना सिर्फ बड़े बल्कि बहुत बड़े आदमी की हैसियत से इस शहर में आया था। हवाई अड्डा बैनुल अक्वामी मयार का था, माहौल भी बदला हुआ था यहाँ का। यह अंदाज़ा नहीं होता था कि यह हमारे मुल्क का कोई शहर है, बल्कि यह एक इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क का कोई हवाई अड्डा मालूम होता था। गालिबन महकमे सियाहत ने यहाँ काफ़ी काम किया था। फिज़ा पर कहर छाई हुई थी जो सर्दी में इजाफा कर रही थी। ज़रूरी मामलात में 4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। बाहर होटल ग्लेशियर की 2 गाड़ियाँ मौजूद थीं, एक वैन और एक लंबी मर्सिडीज़ कार जिस पर ग्लेशियर का मोनोग्राम बना हुआ था। बावर्दी ड्राइवर आगे बढ़ा और हमारे सामने खम होकर बोला, प्रिंस दिलावर? हाँ, होटल ग्लेशियर से आए हो? फीनी ने पूछा। मैडम,
ड्राइवर झुक कर बोला और फीनी ने गर्दन हिला दी। मुझे मर्सिडीज में बिठाया गया और आजम और ताहिर को वैन में जगह दी गई। इस तरह हम होटल ग्लेशियर रवाना हो गए। साफ सुथरी कुशादा सड़कों के दोनों तरफ दूर दूर तक सब्जा बिखरा हुआ था, जो हल्की धुंध में मजीद खूबसूरत नजर आ रहा था। मौसम तबीयत पर असरअंदाज हुए बगैर ना रह सका और एक तरह की जोलानी पैदा हो गई। फीनी मेरे बिल्कुल नज़दीक और मुस्तैद बैठी हुई थी। मैंने चोर निगाहों से उसे देखा, लेकिन उसके चेहरे से कोई अंदाज़ा ना हो सका। उसकी शख्सियत वाकई अनोखी थी। मैंने उसकी शोख फितरत की सिर्फ एक झलक देखी थी और अब यूं गुमान होता था जैसे वह सिर्फ धोखा हो। उसके बाद उसके होंठों पर मुस्कुराहट भी ना आई थी। ना जाने क्यों ये मामला हल ना हो सका था। होटल ग्लेशियर का कंपाउंड बहुत वसी था। एक जानी पार्किंग लॉट था जिस पर तकरीबन 15 गाड़ियां खड़ी थीं। उनमें 2-3 प्राइवेट गाड़ियां थीं, बाकी सब पर होटल का मोनोग्राम था। मर्सिडीज़ ने मुझे सदर दरवाजे के पास उतारा। गाड़ी रुकते ही ड्राइवर ने जल्दी से उतरकर दरवाज़ा खोला। सामने 2 पोर्टर खड़े हुए थे। नीचे उतरकर मैंने जेब में हाथ डाला और 100-100 के 2 नोट निकालकर ड्राइवर के हाथ पर रख दिए। दोनों पोर्टरों ने यह मंजर देखा तो मेरे आगे बिच बिच गए और मैं उनकी रहनुमाई में चल पड़ा। फीनी मेरे पीछे थी। लिफ्ट ने हमें दूसरी मंजिल पर उतार दिया और 2 नोट लिफ्ट मैन की जेब में पहुंच गए। दोनों पोर्टरों की हालत और ख़राब हो गई। अपने कमरे में दाखिल होकर मैंने जेब में से 100-100 के 7-8 नोट निकाले और उन पोर्टरों के हवाले कर दिए। फीनी मेरे इस अमल पर खामोश थी। फिर वो मुझसे इजाज़त लेकर अपने कमरे में चली गई और दोनों पोर्टर भी उसके साथ ही कमरे से निकल गए। उनके जाने के बाद मैंने कमरे का जायज़ा लिया। कमरे की अगली खिड़की को खोला तो दिल खुश हो गया। दूर तक खुशनुमा मनाजिर बिखरे हुए थे। धुंध में सोया हुआ माहौल बहुत दिलकश लग रहा था। मैं चंद लम्हों तक खिड़की में खड़ा रहा, फिर उस वक्त चौंका जब मेरा सामान अंदर आया। इस बार दूसरे 2 अफराद थे जिन्होंने मेरा सामान करीने से अलमारियों में लगाया। फिर जब वो कमरे से निकले तो उनकी जेबों में भी 2-2 नोट थे। फिर 2 आदमी और अंदर आए। उन्होंने इंटरकॉम लाकर रखा और उसके तार वगैरह जोड़ दिए। ये इंटरकॉम फीनी से रबते के लिए था। टिप तो उन्हें भी मिलनी थी। मैंने ग्लेशियर में क़याम के लिए एक प्रोग्राम बनाया था और ये अखराजात उसी प्रोग्राम के सिलसिले की एक कड़ी थी। अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था तो अब मैनेजर की बारी थी। मैंने नोटों की एक गड्डी निकाल कर मेज़ पर डाल दी और बाथरूम में दाखिल हो गया। बाथरूम से निकला तो एक अच्छी शख्सियत का मालिक अधेड़ उम्र शख्स मौजूद था। वो मुझे देखकर अदब से झुका। शर्मिंदा हूँ प्रिंस, इस्तकबाल को ना पहुँच सका। मैं ग्लेशियर का मैनेजर हूँ। कोई बात नहीं मैनेजर, मैं प्रिंस के सिलसिले में कुछ हिदायत चाहता था और यह हिदायत सेक्रेटरी साहिबा से ही मिल सकती थी। लेकिन मेरी आरजू थी कि मैं प्रिंस से मुलाकात करूं। अकीदत के जज्बात के साथ हाजिर हुआ हूं। यकीनन प्रिंस इससे कबल भी कुवारी तशरीफ़ लाए होंगे, लेकिन ग्लेशियर को इज्जत पहली बार बख्शी गई है, इसीलिए मैं हाजिर हुआ हूं। शुक्रिया मैनेजर, कोई ज़रूरत हुई तो तुम्हें जहमत देंगे, मैंने कदरे लापरवाही से कहा। बर्फ़ के मैदानों में पहाड़ी बकरों का शिकार इस मौसम की सबसे बड़ी तफरीह ख्याल किया जाता है। अगर प्रिंस इसमें दिलचस्पी का इजहार करें तो मैं ज़ाती तौर पर इंतजाम कर सकता हूँ। ओह, हमें दिलचस्पी है, तुम्हें यकीनन जहमत देंगे मैनेजर। शुक्रिया प्रिंस, समा खराशी की माजरत चाहता हूँ, मैनेजर उठते हुए बोला। इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया मैनेजर, मेज़ पर पड़ी गड्डी उठा लो, मैंने कहा। मैनेजर ने मेज़ की तरफ देखा तो उसका रंग फक हो गया। फिर उसने खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरते हुए कहा, खादिम हूँ हुजूर का, इसकी ज़रूरत नहीं, ये हमारी रिवायत है मैनेजर, इसे कबूल कर लो प्लीज़। बेहद शुक्रगुजार हूँ, मैनेजर ने कहा और गड्डी उठा ली। थोड़ा सा एहतरामन झुका फिर कमरे से निकल गया। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। जो कुछ मैंने सोचा था उससे मुख्तलिफ नहीं हुआ था। किस कदर नफरत अंगेज़ है ये दौलत। मेरा बस चलता तो सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके उसको आग लगा देता। इसने इंसानी फितरत को बदल कर रख दिया है। ये एज़ा में खून की तरह गर्दिश बन गई है। इसकी वजह से फितरत में वहशत व बर्बरियत पैदा हो गई है और ज़मीन खून रंग हो गई है। फिर भी इस काबिल नफरत शह से मोहब्बत की जाती है। एक लम्हे के लिए यह जज्बाती और अहमकाना सोच मेरे जहन में पैदा हुई, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। फिर वही हुआ जिसका इम्कान था। ग्लेशियर में प्रिंस का नाम चारों तरफ गूंजने लगा। लोग चमगोइयाँ करने लगे। फीनी ने मुझे बताया, बाहर तो बड़े हंगामे हैं सर। कैसे हंगामे फीनी? हर तरफ प्रिंस दिलावर के चर्चे हो रहे हैं। यहाँ होटल में मुकीम मेहमान भी प्रिंस के बारे में एक दूसरे से इस्तफसार कर रहे हैं। खूब, मैंने मुस्कुराकर कहा। मेरा ख्याल है सर, ये सब कुछ हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा है। हाँ फीनी, तुम इन चर्चों की वजह भी समझ रही होगी। यस सर, उसी वक्त से जब आपने ड्राइवर और पोर्टरों को टिप दी थी। हाँ मैं चाहता हूँ मैं तो फौरी जब यहाँ पहुँचे तो प्रिंस का नाम उसके लिए अजनबी ना हो। जी मुझे अंदाज़ा है, फीनी आहिस्ता से बोली।
तुमसे तो किसी ने मुलाकात की कोशिश नहीं की थी, सिर्फ मैनेजर आया था प्रिंस की ज़रूरतों और दिलचस्पियों के बारे में मालूम करने के लिए, फीनी ने जवाब दिया। मैंने गर्दन हिला दी। ये सखावत जारी रहेगी, इस मुहिम के लिए हमारे बजट में काफ़ी गुंजाइश है। और हाँ, रात का खाना हम डाइनिंग हॉल में खाएंगे, इससे कबल हम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। बेहतर, फीनी ने जवाब दिया। उसके बाद मैं आराम करता रहा। नींद तो नहीं आती थी लेकिन तबीयत किसी कदर स्वस्थ हो गई। शाम को 6 बजे मैं उठ गया। फीनी ने मैनेजर को मेरे प्रोग्राम से आगाह कर दिया था। डाइनिंग हॉल के खुशनुमा गोशे में मेरे लिए मेज़ लगाई गई थी। मेरे एतराफ में फीनी, ताहिर और आज़म की मेज़ें थीं। हॉल में बहुत से गैर मुल्की भी थे। मौसीकी की लहरें पूरे हॉल में चकराती फिर रही थीं। चौबी फर्श के दूसरे सिरे पर आर्कस्ट्रा सजा हुआ था और साजिंदे अपने काम में मसरूफ़ थे। मैं इस माहौल से लुत्फानंदोज़ होता रहा। बहुत सी निगाहें मुझ पर मरकूज़ थीं। उस वक्त मेरे जहन में अपने लिए एक जुमला गूंज उठा, कराए का शहजादा, जिसे चंद लोगों की कुर्बानियों ने इज्जत बख्शी है। वरना मैं क्या था और मेरी औकात क्या थी? ये सब जो मुझसे मरूब नज़र आ रहे थे, कुछ अरसे कबल मेरी तरफ रुख करके बैठना भी पसंद ना करते। फिर वेटरों की पूरी फौज हमला आवर हो गई। एक सुपरवाइज़र उनके साथ था। खाने का इंतज़ाम और चौंचले जारी रहे। तस्वीर के अनोखे रुख मेरे सामने थे। मुझे गंदी नालियों के करीब पड़े हुए वो भूखे फ़कीर याद आ गए, जिनके हाथों पर सालन से लिथड़ी हुई रोटियां रखी होती थीं और वो पेट की आग बुझा रहे होते थे। दूसरी तरफ ये अहतमाम, कैसी अनोखी दुनिया थी ये। बहरहाल अदाकारी जारी रही। खाना खाया, टिप दी और ना जाने क्या क्या ड्रामे होते रहे। फिर रक्स के लिए मौसीकी शुरू हो गई। दफ़तन फीनी उठकर मेरे पास आ गई। सर, एक उलझन पेश आ गई है। वो क्या? एक खातून आपके साथ रक्स करना चाहती हैं। ओह, टाल दो फीनी। बहुत कोशिश की सर, फिर मजबूरन आपसे इजाज़त लेने आना पड़ा। कौन है वो? उस मेज़ पर बाएं तरफ, फीनी ने एक जानिब इशारा किया। ठीक है, एक राउंड के बाद मैं चला जाऊंगा। ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं। जिस लड़की ने मुझसे रक्स की फरमाइश की थी वो काफ़ी खूबसूरत थी। वो मेरी मेज़ पर आई तो उसके बदन से खुशबुएं उठ रही थीं। मैंने माजरत आमेज़ लहजे में कहा, मुझे रक्स नहीं आता लेकिन आपकी फरमाइश ना टाल सका। क्या नाम है आपका? शुमाइला। मैं चमड़े के बहुत बड़े ताजिर याकूब गोबो की बेटी हूँ। उसने अपना तारुफ करवाया। बड़ी मुसर्रत हुई आपसे मिलकर। कहाँ से आई हैं? जामपुर से। हर साल आती हूँ। क्वारी इस मौसम में ज़मीन का हसीन तरीन खिता होता है। आप तो यहाँ से खूब वाकिफ होंगी। जी, कई साल से यहाँ आती हूँ। हम दोनों चौबी फर्श पर पहुँच गए। मुझे वाकई रक्स नहीं आता था। शुमाइला ही मुझे नचाती रही। ये सब ज़रूरत के तहत हो रहा था। बहरहाल शुमाइला से दोस्ती हो गई। वो भी इसी होटल में ठहरी हुई थी। दूसरा राउंड शुरू होने से पहले ही मैं वहाँ से उठ गया। दूसरे दिन 11 बजे के करीब शुमाइला फिर आ गई, लेकिन मैंने उससे दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। बाहर बारिश हो रही है प्रिंस, क्या इस मौसम में आप अपने कमरे में रहेंगे? बारिश हो रही है, मैं चौंक पड़ा। रात ही शुरू हो गई थी, मुझे इल्म नहीं था। आइए हम निकलें, मेरे पास पीकॉस है, बारिश की ख़ास सवारी। मैं आपको क्वारी के एतराफ़ की सैर कराऊंगी। सॉरी शुमाइला, मैं इस वक्त ना जा सकूंगा। मेरा मिजाज बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर मैंने कुछ लोगों को वक्त दे रखा है। ओह, तो फिर मैं भी नहीं जाती। यहाँ आपके साथ गुजारने वाला वक्त बाहर के मौसम से कहीं ज़्यादा हसीन है। प्रिंस, मैं महसूस कर रही हूँ कि जैसे आप यहाँ के मौसम और माहौल से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने तौर पर दिलचस्पी ले रहा हूँ, मैंने कहा। ये आवारा मौसम आदाब व रवायात की कैद कबूल नहीं करता। जवानी तंद बारिश की तरह है, बरसे तो जलथल कर दे। आप समंदर की तरह पुरसकून क्यों हैं? इसलिए कि समंदर हूँ, मैंने खुश्क लहजे में कहा। जवानी समंदर नहीं है, एक पुरशोर नदी है। यह तूफ़ान की तरह गिरती है और अपनी रवानी में सब कुछ बहा ले जाती है। आप इसे समंदर क्यों बना रहे हैं प्रिंस? आप चंद लम्हात की मुलाकात में मेरी फितरत बदलने की ख्वाहिशमंद क्यों हैं? मैंने सवाल किया। लड़की कुछ ज़रूरत से ज़्यादा फ्री होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं तफरीहन भी ऐसा कोई जंजाल पालने के लिए तैयार ना था। ओह नहीं प्रिंस, सॉरी, शायद आप मेरी रफाकत पसंद नहीं कर रहे, वो संभल गई। नहीं शुमाइला साहिबा, मैंने अर्ज़ किया ना कि मैंने कुछ लोगों को वक्त दे रखा है। कोई बात नहीं है, मुझे इजाज़त दीजिए, वो किसी कदर रूठे हुए अंदाज में बोली। फिर मुलाकात होगी, मैंने कहा और वो बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद मैंने सुकून की सांस ली। फिर मैंने इंटरकॉम पर फीनी को मुखातिब किया। यस सर। फीनी, इस फजूल लड़की को मुझ पर मुसल्लत ना होने दिया करो, वो अगर आइंदा आए तो उससे माजरत कर लेना। बेहतर जनाब, वो आज़म ने मुझसे राबता कायम किया था।
कोई ख़ास बात? जी हाँ, शिकार पर जाने की इजाज़त मांग रहे थे। जाने दो, अभी हमारे पास काफ़ी वक्त है। और फिनी, अगर तुम भी चाहो तो। नहीं जनाब, शुक्रिया, फिनी ने जवाब दिया और मैंने इंटरकॉम बंद कर दिया। मैं वक्त से कुछ कबल इसीलिए यहाँ आ गया था कि ख़ुद को यहाँ के माहौल में ज़म कर लूँ, लेकिन फजूलियात बोर कर रही थी। हर कदम पर औरत माहौल में बेपनाह तब्दीलियाँ पैदा हो गई थी। जिस कदर बुलंदी से इस माहौल को देखता, उतना ही घिनौना महसूस होता। मेरी अपनी सतह के लोग अभी तक मशरक़ की रवायात को कायम रखे हुए थे, लेकिन सतह से बुलंद लोग ख़ुद को भी भूल चुके थे। आज़म और ताहिर ने मुझे इत्तला दी कि सेठ जब्बार के चार आदमी यहाँ मुकीम हैं और वो उन्हें ट्रेस कर चुके हैं। फिर उन्होंने मुझे उन लोगों को दिखा भी दिया, लेकिन उनमें कोई मेरा शनासा नहीं था। बहरहाल, मैंने उन्हें उन लोगों पर निगाह रखने की हिदायत कर दी। चौथे दिन मुझे एक कॉल मिली, दूसरी तरफ तगलो खान था। हेलो खान, खैरियत है? बिल्कुल ठीक हूँ जनाब, आपसे आज़ादी के साथ बात कर सकता हूँ? तगलो खान ने पूछा। हाँ, डायरेक्ट लाइन है, कहो क्या बात है? चीफ, मुझे एक ऑफ़र मिली है। कैसी ऑफ़र है? अपने चमन ने मुझे पेशकश की है कि अपनी पसंदीदा शराइत पर ब्लैक मैन के साथ शामिल हो जाऊँ। ब्लैक मैन समझ रहे होंगे जनाब? हाँ समझ रहा हूँ, एक लिहाज से बेहतरीन ऑफ़र है, जिसे उस वक्त तो मैं कबूल नहीं कर सकता था जब तक कि आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन अब ये एक शानदार मौका है। वो किस तरह तगलो खान? मुझे यकीन है चीफ कि मैं उसके आदमियों में नंबर एक बन जाऊँगा और फिर उसके सारे राज आपके होंगे, तगलो खान ने कहा। ओके खान, फ़ौरन कबूल कर लो ये पेशकश। मुझे यकीन था कि आप इनकार नहीं करेंगे। आप देखेंगे जनाब कि इस तरह मैं कितना कारामत साबित होता हूँ। मैं जानता हूँ तगलो खान, खुदा हाफिज़, तगलो खान ने कहा और फ़ोन बंद हो गया। तगलो खान काबिल एतमाद शख्स था, अगर वो चाहता तो अपने तौर पर ग्रुप बनाकर हर काम कर सकता था, लेकिन वो प्रोफेसर शेराजी का ममनून था और ऐसे लोग काबिल एतमाद होते हैं जो दौलत के ग़ुलाम नहीं होते। वो इस कदर शानदार इंसान था कि जब्बार सेठ उस पर एतमाद कर सकता था और इस तरह ये एक तीर सेठ जब्बार के ऐन दिल में पेवस्त हो जाएगा। बहरहाल, इस प्रोग्राम को मैं हर तरह बेहतर समझता था। यूं वक्त गुजरता गया और 6 तारीख को मेथु फोरे क्वारी पहुँच गया। तमाम लोगों की ड्यूटी एयरपोर्ट पर थी, यहाँ तक कि मैंने फिनी को भी भेज दिया था। फिनी वापस आई तो पता चला कि फोरे आ गया है। इसी मंजिल पर उसके 2 कमरे हैं जनाब। उसकी सेक्रेटरी ड्रेला एक नौजवान लड़की है। गुड, और कोई ख़ास बात? नहीं जनाब, सेठ जब्बार के आदमी एयरपोर्ट पर उसे मिले? कतन नहीं, वैसे वो वहाँ मौजूद थे। तुम लोग तो उनकी निगाह में नहीं आए? नहीं जनाब, उसका ख़ास ख्याल रखा गया था। गुड, वैसे अगर मुमकिन हो और हालात खुद ब खुद ऐसे हों तो तुम ड्रेला से दोस्ती कर सकती हो। मैं खुद कोशिश करूँ? नहीं, उन्हें किसी तौर पर एहसास नहीं होना चाहिए कि हम उनमें दिलचस्पी ले रहे हैं। ओके, फिनी ने कहा और चली गई। अब मेरे काम का आगाज़ हो गया था। इस दौरान दूसरे दिलचस्प वाक़यात भी रोनुमा होते रहे थे। आवारा किस्म की कई लड़कियों ने फिनी को दोस्त बनाने की कोशिश की थी और उसे रिश्वत भी पेश करनी चाही थी कि वो प्रिंस से उसकी दोस्ती करा दे। होटल के वेटर्स सुपरवाइजर्स को रिश्वत पेश करते कि उनकी ड्यूटी प्रिंस के कमरे पर लगा दी जाए। गोया प्रिंस की अहमियत ज़बरदस्त थी और ये नामुमकिन था कि मेथु फोरे तक ये बात ना पहुँचे। उसी शाम उसका मुजाहिरा भी हो गया। मेथु फोरे बुलंद कामत, शानदार सेहत का मालिक एक अधेड़ उम्र शख्स था। वो चेहरे ही से जहीन बल्कि मक्कार शख्स नज़र आता था। हाँ, उसकी साथी लड़की बिलाशुबा खूबसूरत थी। हॉल में आज वीकेंड प्रोग्राम था, इसलिए शिकारी भी सूट में आए थे और हॉल खचाखच भरा हुआ था। फोरे शायद होटल के मुस्तकिल ग्राहकों में था क्योंकि उसकी पजीराई हो रही थी, लेकिन जब मैं हॉल में दाखिल हुआ तो सूरत हाल बदल गई। इंतज़ामिया के अफराद खसूसी भाग दौड़ करने लगे और मैंने मेथु फोरे को भी अपनी तरफ मुतवज्जा देखा। उसकी साथी लड़की उसके करीब बैठी थी, दोनों मेरी जानिब निगरान थे। मैंने भी आज कुछ ज़्यादा ही अदाकारी का मुजाहिरा किया। वक्त गुजरता रहा, रकासाओं ने प्रोग्राम पेश किए, इस सिलसिले में भी मेरा ख्याल रखा गया था। मैं काफ़ी देर तक हॉल में रहा और फिर जब रक्स का प्रोग्राम शुरू हुआ तो मैं उठ गया। मेरे ख्याल में आज सिर्फ इतनी झलक काफ़ी थी। दूसरा दिन भी गुजर गया, फिर तीसरे दिन फिनी ने मुझे इत्तला दी। ड्रेला मुझसे मिली थी सर। गुड, बड़ी देर लगा दी उन लोगों ने। वो लोग यहाँ 1 हफ्ता गुजारने का प्रोग्राम रखते हैं। खूब, क्या गुफ्तगू रही ड्रेला से? आपके बारे में बड़ी मुतजस्सिस है, आपकी शख्सियत के गुण गा रही थी। कहने लगी, प्रिंस इस वक्त क्वारी की सबसे मकबूल शख्सियत हैं। फिर वो मुझसे मज़ीद मालूमात हासिल करती रही, मसलन प्रिंस के कारोबार के बारे में, रियासत के बारे में,
मैंने उसे बताया कि रियासतों का दौर तो ख़त्म हो गया है, प्रिंस ख़ानदानी हवाले से प्रिंस कहलाते हैं और किसी नवाब से ज़्यादा दौलतमंद हैं। इसके बाद मैंने आपके कारोबार की तफसीलात बताई। खुद उसने भी अपने बारे में कुछ बताया? अपने बारे में नहीं, बल्कि बॉस के बारे में बातचीत करती रही। मेथुफोर एक बैन अल-अक़वामी कारोबारी है, दुनिया भर में सौदेबाजी करता रहता है, बड़ा उम्दा कारोबार है उसका, यहाँ वो ख़रीदारी ही के लिए आया है। गुड, और कुछ? बस अभी तो गुफ्तगू यहीं तक महदूद रही है। मेरा ख्याल है बहुत जल्द काम की बात शुरू हो जाएगी। और फीनी का ख्याल गलत नहीं था। 5 बजे के करीब उसने इंटरकॉम पर मुझे मुखातिब किया। सर, मिस्टर मेथुफोर की सेक्रेटरी मिस ड्वेला बोनेक मेरे पास तशरीफ़ लाई हैं। मिस्टर मेथुफोर एक इंटरनेशनल ताजर हैं और आजकल यहाँ आए हुए हैं। उनका क़याम इसी होटल में है और आज डिनर पर आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। क्या आप उन्हें वक्त दे सकेंगे? सिर्फ एक शर्त पर, मैंने कहा। वो क्या जनाब? डिनर का कोई अहतमाम ना किया जाए। उनसे कहें कि अगर ये दोस्ताना मुलाकात है तो बेतकल्लुफ़ी के माहौल में होनी चाहिए और बिल्कुल आम से अंदाज का डिनर हो। मिस फीनी, मुझे इजाज़त दें कि मैं प्रिंस से गुफ्तगू करूं। इंटरकॉम पर मुझे ड्वेला की आवाज़ सुनाई दी। जी ज़रूर, फीनी ने कहा। फिर ड्वेला की आवाज़ उभरी जो मुझसे मुखातिब थी। प्रिंस दिलावर, मैं ड्वेला अर्ज़ कर रही हूँ। जी फरमाइए। प्रिंस, ये तो मिस्टर मेथुफोरे की इज़्ज़त अफजाई है कि आपने उसे बेतकल्लुफ़ी के माहौल की फरमाइश की है। मिस्टर फोरे ख़ुद भी सादा फितरत के मालिक हैं, मेरे ख्याल में उन्हें यह शर्त मंजूर होगी। तो ठीक है मिस ड्वेला, आज हम मिस्टर फोरे के साथ डिनर करेंगे, मैंने कहा। शुक्रिया प्रिंस, बेहद शुक्रिया, ड्वेला ने कहा। मेरा मकसद हल हो गया था, मुझे इस कामयाबी की बड़ी खुशी थी। और फिर फीनी ने मुझसे शाम के प्रोग्राम पर बातचीत की। ड्वेला चाहती थी कि डिनर टेबल पर दोनों की सेक्रेटरियाँ भी मौजूद हों, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। कोई हर्ज भी नहीं फीनी, बहरहाल तुम इनकार कर चुकी हो। वैसे ड्वेला फोरे से बेतकल्लुफ़ मालूम होती है, बहुत ज़्यादा जनाब। वो मिस्टर फोरे की सेक्रेटरी के अलावा उनकी गहरी दोस्त भी है। क्या ये बात उसने ख़ुद तुम्हें बताई है? जी हाँ, उसके बयान के मुताबिक मिस्टर फोरे बेतकल्लुफ़ इंसान है, लोगों से बहुत कम करीब होते हैं, लेकिन जिनसे करीब होते हैं उनसे मुखलिस होते हैं। दरअसल उनके माहौल में ये बात मायूब नहीं समझी जाती। कौन सी बात? यही के सेक्रेटरी दोस्त भी हो, फीनी ने हिचकिचाते हुए कहा। ये बात तो यहाँ के माहौल में भी मायूब नहीं है फीनी, मैंने गहरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा। दोस्ती के लिए कुर्बत ज़रूरी होती है सर, मेरे ख्याल में सेक्रेटरी सबसे करीब होती है। जी हाँ, लेकिन यह मिजाज की भी बात है, बहुत से लोग किसी मुलाजिम को वो हैसियत नहीं देते। एक बात बताओ फीनी। जी सर। क्या ड्वेला मिस्टर फोरे की दाश्ता भी है? दाश्ता किसी को निगाह से गिराने का एक लफ्ज़ है सर, मेरे ख्याल में दोस्त दाश्ता नहीं होती। अगर दोस्ती के रिश्ते गहरे हों तो फिर वो तन्हाइयों की राजदार भी बन जाती है। मैं इंसान की हदूद का कायल हूँ फीनी, और वो हदूद दौलत के मयार पर नहीं बल्कि इंसानियत के मयार के मुताबिक होनी चाहिए। मुमकिन है तुम इसे इस मुल्क की कदामत परस्ती तसव्वुर करो। जी, फीनी आहिस्ता से बोली। तुम्हारे बारे में एक ख्याल बार बार मेरे जहन में आता है, क्या तुम उसकी वजाहत करोगी फीनी? आप हुक्म देंगे तो वो मेरा फ़र्ज़ होगा। नहीं, ये एक ज़ाती सवाल है जिसका जवाब तुम्हें सेक्रेटरी की हैसियत से हट कर देना होगा, और तुम इस जवाब के लिए मजबूर भी नहीं होगी, मैंने कहा। जी फरमाइए। जब तुम मुझसे पहली बार मिली थी तो एकदम हंसमुख और शोक तबीयत की मालिक मालूम हुई थी, लेकिन अचानक तुम संजीदा हो गई और संजीदगी की यह कहर आज तक तुम पर छाई हुई है। आपने मुझ पर इस हद तक गौर किया है सर? हाँ क्यों नहीं फीनी, तुम मेरे बहुत करीब हो, मेरे तमाम मामलात की निगरान हो। मुझे मुसरत है सर कि आपने मेरे बारे में सोचा, मैं खुलकर अर्ज़ कर रही हूँ। इब्तिदा में मुझे आपके बारे में कुछ नहीं मालूम था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि आपकी फितरत में कोई कर्ब छुपा हुआ है जो आपको ज़िंदगी की इन रंगीनियों से दूर रखे हुए है जो इंसान की फितरत में रची होती हैं। सर, मैंने एक अच्छे मुलाजिम की तरह खुद को संभाल लिया और बिलावजह आपके लिए दर्द सर नहीं बनी। ओह फीनी, यू आर ग्रेट, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। मेरे जहन में कई बार ये ख्याल आया कि मैंने कुछ सख्त बात तो नहीं कह दी। नहीं सर, इसके बरअक्स आपकी शख्सियत बेहद नर्म है, मुझे आपसे कभी कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन सर, आपने इतनी जुरत दिलाई है तो एक सवाल पूछ सकती हूँ? ज़रूर पूछो। आपकी ज़ात में कोई कर्ब है, कोई ऐसी अजियत जो आपको बेचैन रखती हो? हाँ फीनी, मैं बहुत दुखी हूँ। इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद? हाँ सर, कोई लड़की? लड़की भी, मैंने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा। सर, वो इस दुनिया में है? खुदा उसे ज़िंदा सलामत रखे, खुदा करे
वो जहाँ भी हो, जिंदा हो, सेहतमंद हो और खैरियत से हो। वो आपसे रूठ कर कहीं चली गई है? वो मुझसे रूठ कर नहीं गई, बल्कि उसे मुझसे जुदा कर दिया गया है। मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ उसकी तलाश है, काश वो मुझे मिल जाए। वीनी की बातों ने मुझे फिर जज्बाती कर दिया था। आप उसे तलाश कराएं, वो ज़रूर मिल जाएगी। कौन थे वो जालिम जिन्होंने उसे आपसे जुदा कर दिया? आपने उससे शादी क्यों नहीं कर ली? नहीं फीनी, वो मेरे लिए मुकद्दस और मोहतरम थी, इसलिए कि वो मेरी बहन थी, मेरी छोटी बहन, मेरी माँ की औलाद। नहीं, फीनी भौंचका रह गई। हाँ, सगी बहन। ओह, वो होंठ सकोड़ कर रह गई। सॉरी फीनी, इससे ज़्यादा मैं इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करूँगा, मैं सर झटकते हुए बोला। मैं उदासियों का शिकार हो जाऊँगा, जबकि अभी मुझे चाको चौबंद रहकर अपना काम करना है। ज़रूर सर, लेकिन मुझे एक इजाज़त दीजिए। हाँ कहो। जब भी आपको फुर्सत हुई, जब भी मौका मिला, आप मुझे इस बारे में ज़रूर बताएंगे। ठीक है फीनी, मैं तुम्हें अपने दर्द की कहानी ज़रूर सुनाऊँगा, उस वक्त जब मेरे दिल में टीसें उभर रही होंगी, मैंने कहा और फीनी खामोश हो गई। रात के लिए फीनी ने खुद मेरे लिबास का इंतखाब किया था। सर्दी आज भी ज़्यादा थी। जब मैं तैयार हो गया था तो वो खुद भी तैयार होने चली गई। 8:30 बजे ड्वेला ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि मिस्टर फोरे प्रिंस का इंतज़ार कर रहे हैं। हॉल में कोई ख़ास तब्दीली नहीं थी, सिवाय इसके कि एक गोशे को खाली रखा गया था और वहाँ सिर्फ चंद मेज़ें लगाई गई थीं जिनके गिर्द स्टैंडिंग वॉल्स रखी गई थीं, और यूँ उस हिस्से को बाकी हॉल से अलहदा कर दिया गया था। मिस्टर फोरे और ड्वेला इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। मैं गर्म जोशी से मिस्टर फोरे से मिला। ये इब्तिदा मुझे करनी चाहिए थी मिस्टर मैथ्यू फोरे, क्योंकि आप मेरे मुल्क में मेहमान हैं, लेकिन अफसोस कि आपसे तारुफ ही हासिल ना हो सका था। हाँ प्रिंस, बदकिस्मती से मैं आपकी तरह मारूफ इंसान नहीं हूँ, जबकि होटल का बच्चा बच्चा प्रिंस दिलावर का नाम लेते नहीं थकता। ओह, ये आपकी मोहब्बत है, वरना दिलावर में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। मेरी नहीं, ये आपके अहले वतन की मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे आपसे मिलने का मौका दिया, फोरे ने कहा। हम दोनों बैठ गए और फोरे अपना तारुफ तफसील से कराने लगा। आखिर में उसने कहा, अक्सर आपके मुल्क में निकल आता हूँ, मकसद यही होता है कि यहाँ से सस्ते दामों कुछ ख़रीदूँ और बाहर की मंडियों में फ़रोख्त करूँ। ये मेरा मशगला भी है और कारोबार भी। बहुत दिलचस्प आदमी हैं आप मिस्टर फोरे, एक सच्चे कारोबारी जो लगावट की बातें करके खुद को छुपाने की कोशिश नहीं करते, मैंने उसकी गुफ्तगू को सराहते हुए कहा। मैं इस इजहार में कोई हर्ज नहीं समझता प्रिंस। देखिए ना, हम दिल में कुछ रखें और ज़ाहिर कुछ करें तो ये डिप्लोमेसी कारोबार में कुछ मुनासिब नहीं रहती। मुमकिन है मुझे आपसे ही कोई बिजनेस मिल जाए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, कारोबार इसी तरह होता है। मुझे मौका मिला तो मैं आपसे कारोबार ज़रूर करूँगा, बल्कि गौर करूँगा कि मैं आपसे क्या डील कर सकता हूँ। मैं पेशगी शुक्रिया अदा करता हूँ प्रिंस। कोई ऐसी चीज़ है आपके पास जो फ़िलहाल मेरे काम आ सके? मैं नहीं जानता कि आप कौन सी चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं। मेरे गोदाम भरे पड़े हैं और कारोबार होता रहता है। हाँ, अगर आप खाम कपास में दिलचस्पी रखते हों तो मुझे ज़रूर बताएं, मैंने कहा। तो फोरे चौंक पड़ा, उसकी आंखें मुसरत से चमकने लगी थीं। फिर वो आहिस्ता से बोला, कपास? जी, एक ज़खीरा पड़ा हुआ है मेरे पास और मैं उसे ज़्यादा अरसे तक नहीं रखना चाहता। अगर आपको उसमें दिलचस्पी हो तो बताएं, मैं बहुत कम कीमत पर उसे आपके हवाले कर सकता हूँ। ये प्रिंस की पेशकश है, लिहाजा सर आँखों पर, लेकिन एक तसल्ली और चाहता हूँ। क्या? ये कारोबार किस अंदाज में होगा? दो कारोबारियों के खुफिया अंदाज में या गवर्नमेंट के ज़ेरे असर? मिस्टर फोरे, आप दिलावर को अच्छी तरह नहीं जानते। जब वो किसी को दोस्त मान लेता है तो उसकी मुश्किलात ख़त्म कर देता है। अगर आप साफ़ सुथरे कारोबारी हैं तो मैं अपनी हुकूमत की तरफ से आपको बेहतरीन ताउन की पेशकश करता हूँ, और अगर आप ब्लैक बिजनेस के शायक हैं तो हम माल की डिलीवरी आपको हांगकांग में देंगे। क्या वाकई? फोरे की बाचें खुशी से खिल गईं। ऐसी पेशकश आपको किसी ने नहीं की होगी मिस्टर फोरे। मैं इसका एतराफ़ करता हूँ, माल ख़रीदना कोई मायने नहीं रखता, असल बात उसे ले जाना है। मैं भी कारोबारी हूँ, मगर दोस्तियों का भी कायल हूँ। अफसोस, हमने गलत वक्त पर यह बात की प्रिंस, मैं शर्मिंदा हूँ। आप भी क्या सोचते होंगे मेरे बारे में कि डिनर पर मधु करके कारोबारी बातचीत शुरू कर दी? नहीं मिस्टर फोरे, अगर इसके लिए हम तवील रास्ते अख्तियार करते तो मैं आपको एक अच्छा कारोबारी ना समझता। सेठ जब्बार को जानते हैं? मैं तो फोरे ने पूछा। हाँ, मारूफ नाम है, मैं उसी के पास आया था। चूँकि हमारा कारोबार ब्लैक होता है, इसलिए ज़रा घुमाओ फिराओ अख्तियार करता हूँ। चंद रोज़ के बाद उससे कारोबारी गुफ्तगू होने वाली है, लेकिन मुझे क्या मालूम था
कि यहाँ मेरी तकदीर की रोशनी मेरी मुंतज़र है। आप उससे ज़रूर कारोबारी बात करें, मैं आपको मायूस नहीं करना चाहता था, लेकिन एक नौ दौलतीय बनने और एक प्रिंस में जो फ़र्क होता है वो मैं आपको बताना चाहता था। मुझे अंदाज़ा है प्रिंस, आज तक इतनी साफ गुफ्तगू किसी कारोबारी ने ना की होगी, लेकिन अब बात और भी सुन लें। इसके बाद मैं आपका ताकुब करता रहूँगा। सारी दुनिया से मेरे पास ऑर्डर आते हैं और मैं हर जगह से माल ख़रीदता हूँ। मेरे पहले कारोबारी आप होंगे प्रिंस, बाद में दूसरे। ठीक है मिस्टर फोरे, आप मायूस नहीं होंगे। यकीनन यकीनन, वो बोला। बस अब कारोबारी गुफ्तगू ख़त्म, इसका दूसरा दौर किसी मुनासिब वक्त पर होगा, मैंने कहा। उसने गर्दन हिला दी, वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। फिर खाने का दौर चला। खाने के दौरान हम मुख्तलिफ मौजूआत पर बातें करते रहे। फिर रक्स के लिए मौसीकी शुरू हुई तो फोरे बोला, मैं आपकी सेक्रेटरी के साथ रक्स की इजाज़त चाहता हूँ प्रिंस। मेरी तरफ से इजाज़त है, लेकिन मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता। क्या मतलब? वो ड्यूटी के औकात में रक्स नहीं करती, और जब तक वो मेरे साथ रहती है ख़ुद को ड्यूटी पर समझती है। फोरे की भी चंद खूबियाँ हैं प्रिंस, जिनमें से एक ये भी है कि किसी लड़की ने उसे मायूस नहीं किया। उसने जिस लड़की से चंद लम्हात भी गुफ्तगू की है, उसने भी फोरे के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा। सॉरी प्रिंस, मैं आपकी सेक्रेटरी को वरगलाने जा रहा हूँ। ज़रूर 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 मिस्टर फोरे, मुझे खुशी होगी, मैंने जवाब दिया और फोरे लड़कियों की मेज़ पर पहुँच गया। उसने कुछ कहा तो ड्रैला भी अपनी जगह से उठकर मुस्कुराती हुई मेरे पास आ गई। प्रिंस दिलावर जैसी दिल आवेश शख्सियत के साथ रक्स करने को मैं अपनी इंतहाई खुशबख्ती तसव्वुर करूँगी। मुझे यकीन है कि मैं ज़िंदगी के किसी दौर में भी इन लम्हात को फरामोश नहीं कर सकूँगी। उसने मेरे सामने कुर्सी घसीट कर बैठते हुए कहा, शुक्रिया ड्रैला, लेकिन शायद मेरी सेक्रेटरी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि मैं रक्स नहीं करता। क्या वाकई प्रिंस? हाँ मिस ड्रैला, हालांकि आप जैसी हसीन लड़कियाँ तो लोगों को इशारों पर नचा सकती हैं, लेकिन बदकिस्मती से मुझे थरकना नहीं आता। क्यों प्रिंस, क्या इस दौर में भी आप कदामत परस्त हैं? हरगिज़ नहीं, लेकिन ख़ानदानी हालात। वालिद साहब ने एक बार एक यूरोपियन खातून की फरमाइश पर उनके साथ रक्स कर लिया था। दादा जान ने उनकी दोनों टांगें कटवा दी और बाकी ज़िंदगी वालिद साहब ने बेसाखियों और व्हीलचेयर के साथ गुजारी। उस वक्त से यह खौफ मेरे जहन में बैठा हुआ है, अगर चौबी फर्श पर जाऊँ तो मेरी टांगें कांपने लगती हैं। आप भी ख्वाह मुख्वा तमाशा बनेंगी, एक बार कोशिश की तो साथी खातून भी ज़ख्मी हो गई थी, उसके बाद से तोबा कर ली। हैरत अंगेज़, क्या आपके वालिद ज़िंदा हैं? नहीं, मैंने जवाब दिया। इसके बावजूद ये खौफ आपके जहन पर मुसल्लत है? जी हाँ। आखिर क्यों? इसलिए कि दादा जान जिंदा हैं, मैंने जवाब दिया। तो ड्रैला हैरत से मुंह खोलकर रह गई, फिर आहिस्ता से बोली, यकीनन ये बात आपने मिस्टर फोरे को नहीं बताई होगी। हाँ, मिस्टर फोरे ने मुझसे रक्स की फरमाइश नहीं की थी, मैंने जवाब दिया और ड्रैला हंस पड़ी। रक्स ना सही, मैं आपके साथ कुछ वक्त तो गुजार सकती हूँ, ड्रैला ने कहा, मुझे खुशी होगी। वैसे मिस्टर फोरे ने मुझे यही हुक्म दिया था कि प्रिंस के साथ रक्स करूँ। वो शायद आपकी सेक्रेटरी के साथ रक्स करेंगे। शायद, मैंने कहा। उसी वक्त रक्स के लिए मौसीकी शुरू हो गई, लेकिन फीनी मिस्टर फोरे के साथ रक्स करने के लिए नहीं उठी थी। ये देखकर ना जाने क्यों मुझे खुशी हुई थी, मिस्टर फोरे ने भी रक्स नहीं किया। थोड़ी देर तक वो फीनी के पास बैठा रहा, फिर वापस आ गया। मेरा ख्याल है ड्रैला तुम भी नाकाम रहीं, बेहतर ये है कि तुम फीनी के पास वापस जाओ। वैसे मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है कि अगर तुम रात प्रिंस के साथ गुजारना चाहो तो गुजार सकती हो। शुक्रिया मिस्टर फोरे, ड्रैला मेरी तरफ बर्फ़पाश निगाहों से देखती हुई वापस उसी मेज़ पर पहुंच गई। मेधु फोरे का चेहरा फीका फीका नज़र आ रहा था। प्रिंस, आपकी सेक्रेटरी तो हम परस्त है। क्यों? किसी पेशगो ने पेशन गोई की है कि अगर उसने ज़िंदगी में किसी के साथ रक्स किया तो वो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगी। इसके अलावा भी वो बड़ी दिल दहला देने वाली बातें कर रही थी। उसने ज़िंदगी भर शादी ना करने का फ़ैसला किया है क्योंकि उस पर अकरब का साया है। मैंने उसकी ज़ातियात में कभी दिलचस्पी नहीं रखी। तो क्या वो आपकी तन्हाइयों की साथी नहीं है? नहीं, मेरी मुलाजमत इख्तियार करने से कबल उसने यही एक शर्त रखी थी कि वो सिर्फ मेरी सेक्रेटरी रहेगी। इसके बावजूद आपने उसे मुलाजिम रख लिया? इसलिए मिस्टर फोरे कि मुझे वाकई एक सेक्रेटरी की ज़रूरत थी। तगलू खान ने मुझे फ़ोन पर इतला दी कि सेठ जब्बार एक हफ्ते के लिए यूरोप चला गया है। इस दौरान में उसके आदमी मेथो फोरे को क्वारी में शिकार खिलाते रहेंगे। फोरे के लिए कुछ लड़कियाँ भी रवाना की गई हैं। तगलू खान ने सेठ जब्बार की मुलाजमत इख्तियार कर ली थी और वहाँ काम शुरू कर दिया था। अभी इस काम की तफसील मालूम नहीं हो सकी थी, लेकिन तगलू खान पर मुझे कामिल भरोसा था। दूसरी तरफ मैं तो फोरे से मेरी दोस्ती खूब निभ रही थी। मुझे यकीन था कि अगर जब्बार यूरोप ना भी जाता तो फोरे उससे मुलाकात में अभी हेलो हुज्जत करता, क्योंकि अब वो मुझसे कारोबार करने का ख्वाहां था।